अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पाई, और पाई क्रस्ट भी हम खुद ही रेडी करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्रस्ट रेडी करना, लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही सुपर यमी ज़बरदस्त फ्लेकी बटरी पाई रेडी होगा। तो चिकन पाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट रेडी करेंगे, उसके लिए फूड प्रोसेसर ले लिया मैंने, और उसमें हम डाल देंगे 2.5 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर मैदे के, ये मैंने डाल दिया। और चिल्ड बटर चाहिए होगा हमें, ये मैंने फ्रिज से निकाला है, और इसे हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम बटर है, इसे मैं छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, और फिर इसे भी हम ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें। ये सॉल्टेड बटर था तो मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया। ये हल्का सा फूड प्रोसेसर को चलाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना। मेक श्योर कि ये ड्राई होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्रम्स देखें इसके बन गए इस तरह से, इसके बटर के साथ जो है वो मैदे के क्रम्स बनने चाहिए। इसके बाद वाटर भी मैं चिल्ड ही ऐड करूंगी, 3 से 4 टेबलस्पून। और याद रखिएगा इसे ज़्यादा नहीं चलाना फूड प्रोसेसर को, बस हल्का सा मिक्स करना है जस्ट, और इसे निकाल लेना है। बस स्टिकी सा थोड़ा सा हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से क्रम्स जो हैं वो बनने चाहिए, बस थोड़ा सा स्टिकी हो तो ये हमारा रेडी है। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना और जस्ट मिक्स करना है, और बस इतना सा कि ये आपस में जुड़ जाए। इसे मैंने अब सेलोफेन पे मैं निकाल रही हूँ, और इस डिस्क बना के हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, इसको डिस्क शेप में करके और रैप करके मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं दोबारा। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम डिस्क को निकाल कर इसको थोड़ा सा रोल करेंगे अपने पैन के साइज़ के हिसाब से। ये मैंने निकाल लिया है, और इसको जेंटली जो है इसका साइज़ हम रोल करके बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा साथ स्प्रिंकल करते जाएं, डस्ट करते जाएं जो फ्लावर है ड्राई, ताकि आपका रोल आसानी से हो जाए। बस इसे अब हम पैन में शिफ्ट कर देंगे जिसमें बेक करना है। अच्छे से अंदर एजेस में सेट करने के बाद ऊपर जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके उतार लूँगी। इससे मैं एक और छोटा साइज़ का जो है वो पाई रेडी कर लूँगी, और ये कट हो चुका है हमारा, और इसे अब मैं शेप दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसे हल्का सा मैं फिंगर से प्रेस कर रही हूँ और दूसरे हाथ से शेप देती जा रही हूँ। इसी तरह से पूरे मैं
राउंड में जो एजेस हैं उसके रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट। ये हमारा पाई क्रस्ट अब बेकिंग के लिए रेडी है। मैंने 180 डिग्री पे जो है इसे बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये 25 मिनट के बाद जो है मैंने निकाल लिया है। अब हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ आपको जो पसंद हो आप इसमें ऐड कर लें। एक लेयर मैं चीज़ की लगा दूंगी। और इसके बाद चिकन जो है वो 1 कप ऐड करूंगी। आप कोई भी चिकन अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, श्रेड कर लें या क्यूब्स में, लेफ्ट ओवर पीसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म का जैसे आपको पसंद हो। ये कुक चिकन है और साथ मैंने 4 eggs ले लिए हैं। इनको अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसमें पिंच सॉल्ट और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और इसमें साथ में हरा धनिया ऐड किया है। आप पार्सले यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी स्पिनच अगर आप डालना चाहें। बस इसे पोर कर देंगे इस पर और दोबारा से इसे बेक करने हम रख देंगे ऑलमोस्ट 45 मिनट। के बाद जो है वो मैं इसे निकाल रही हूँ। हमारा सुपर फ्लेकी पाई रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लग रहा है देखने में भी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे भी दुआ में याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।